हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज 19/9/2020 की तिथि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसे आप पुराने हम सरगुजा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, जिनका नाम अब चेंज हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा 2020 के सभी परीक्षा केंद्रों महाविद्यालयों परीक्षार्थियों के लिए संशोधित सामान्य निर्देश। मैं कल ही इस रिगार्डिंग वीडियो बनाया था कि कैसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप अपलोड करना है, जो भी आपको आंसर शीट लिखना है, A4 साइज पेपर में लिखना है, फिर उसको स्पीड पर डाक भेजना है, डाक के माध्यम से कॉलेज भेजना है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजेगी, उसको PDF बनाकर अपलोड करना था। लेकिन यहाँ पर देखिए, आज के तिथि में संशोधित किया गया है। प्रॉब्लम क्या हो रहा था फिर जानेंगे। देखिए, पूर्व जारी निर्देश पत्र फलाना यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुक्रम में आंशिक संशोधन निर्देश निम्नानुसार है। क्या क्या संशोधन किए गए हैं ध्यान दे दीजिए। संदर्भित पत्र के सरल क्रमांक 2 में निर्देशित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी दिन PDF तैयार कर रात्रि 12 बजे तक अपलोड करना होगा। ये पुराने वाले सर्कुलर में था। अब देखिए उसमें क्या संशोधन किया गया। छात्रों की व्यवहारिक समस्या को देखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है, अर्थात छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब समझ गए ना कि आप पुराने जो आदेश जारी किया गया था, गाइडलाइन जारी किया गया था, उसमें अपलोड करना था उसी दिन रात्रि 12 बजे तक। लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया गया है कि आपको PDF बनाकर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करना है उसके लिए आगे देखते हैं। परीक्षार्थी को अपनी लॉगिन ID से परीक्षा में उपयोग होने वाले समस्त प्रपत्र पहले ही डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन आप कॉलेज का नंबर जरूर रखें, क्योंकि इन वक्त में परेशानी हो सकती है। यदि हाँ, अगर कोई छात्र मोबाइल नंबर चेंज करना चाहे तो इसी स्टेप को अपना कर वह चेंज कर सकता है। अब करना यह है कि जैसे आपने A4 साइज में आपका क्वेश्चन आंसर लिख लिया, ठीक है। परीक्षार्थियों को निर्देश है कि अपनी परीक्षा समाप्ति के पश्चात समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को पूर्व निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 7 दिवस के अंदर अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजें एवं उसकी पावती अपने पास सुरक्षित रखें। तो पुराने नियम के एज यूजुअल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको उसको अनिवार्य रूप से आपके महाविद्यालय भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें कैसे भेजना है। सारा एग्ज़ाम लिख लेने के बाद उसको लिफाफे में बंद करना है, फिर उन जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा उन लिफाफों को एक बड़ा लिफाफा में बंद करना है, और उसके बाद कॉलेज उसको डाक के माध्यम से भेजना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये उसी पत्र का एक हिस्सा है। परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व प्रश्न पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लॉगिन ID पर अपलोड की जाएगी। उस समय अन्य परीक्षार्थियों के लॉगिन ID बंद रहेंगे, ठीक है। सॉरी, उस समय अन्य परीक्षार्थियों के लॉगिन ID बंद रहेंगे। प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। आप अपने पर्सनल जो आपका लॉगिन ID है उस पर खोलेंगे तो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कॉलेज से संपर्क जरूर बना के रखें, क्योंकि इन वक्त में ना कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फटाक से आपको कॉलेज में 2 घंटे पूर्व ही क्वेश्चन पेपर आ चुका होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप संपर्क करके भी वहाँ से क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। अभी ऐसे हुए हैं, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको PDF बनाकर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पीड पोस्ट आपको मतलब डाक के माध्यम से कॉलेज भेज देना है 7 दिवस के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय जवाहर। किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएँ।